वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एके स्टडी 1024 पे, यहाँ से आपको साइंस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब जो भी यहाँ पे टर्म्स हमें गिवन है इनकी हमें डेफिनेशन देनी है। इसके बाद बोला गया आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, मतलब कि इनको डिफाइन करने से पहले क्या कुछ और टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करना ज़रूरी है। व्हाट आर दे, वो टर्म्स क्या हैं एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और तुम उन्हें किस तरह से डिफाइन करोगे ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए जिन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी वो क्या क्या हैं, ठीक है, फिर इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अदर टर्म्स दैट आर नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, मतलब वो दूसरी टर्म जिनको हमें पहले डिफाइन करना ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, देखो आप पेन से या पेंसिल से अगर पेपर पे एक डॉट बनाओ तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक पॉइंट, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी ए स्मॉल डॉट मेड बाई अ शार्प पेंसिल इट हैज़ नो डायमेंशंस, मतलब कि एक छोटी सी डॉट जो हम पेंसिल से या पेन से, अब यहाँ पे पेंसिल लिख दिया इसका मतलब ये नहीं पेन से नहीं बना सकते, ठीक है। तो पेंसिल से या पेन से जो हम डॉट ये बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं। इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, डायमेंशंस मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई अनडिफाइंड है, इसकी लंबाई चौड़ाई डिफाइन नहीं होती है। तो ये था पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, वो है लाइन। लाइन क्या होती है, ए स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स विदाउट एंड इज कॉल्ड लाइन इट हैज़ नो थिकनेस, मतलब कि एक सीधा रास्ता जो पॉइंट से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइन। अब ये लाइन असलियत में बनती कैसे, अगर इसको आप जूम करके देखें तो असलियत में ये बहुत सारे पॉइंट्स का एक पाथ होता है, रास्ता होता है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं जो एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। इस तरफ लाइन को बढ़ा सकता है इन्फिनिटी तक, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, ठीक। तो मतलब एक स्ट्रेट पाथ पॉइंट्स का जो एक्सटेंड होता रहेगा, कोई एंड नहीं इसका, कहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरो का मतलब ये आगे बढ़ रहा है, ये मैं समझना कि यहाँ पे रुक गया है, ठीक। इसको हम बोलते हैं लाइन, और इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ इसमें एंडलेस लंबाई होती है लेकिन इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, इसलिए मैंने अभी लिखा इट हैज़ नो थिकनेस। इसके बाद एक और टर्म जो कि है रे, इसको भी जानना जरूरी है। रे क्या होता है, जो ये लाइन है इसी का एक टुकड़ा जो एक तरफ से इसका एक एंड पॉइंट हो दूसरी तरफ ये बढ़ रहा हो, इसको हम बोलते हैं रे। तो रे की डेफिनेशन हो जाएगी ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ वन एंड पॉइंट, यानी लाइन का वो हिस्सा जिसके पास एक तरफ एंड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं रे। इसके बाद सर्कल और क्वाड्रिलेटरल भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम उन टर्म्स को डिफाइन कर पाएँ जो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, इसको जरा ध्यान से समझना। ए सर्कल इज़ दी सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि सर्कल उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है जो कि एक प्लेन में है और किसी एक फिक्स पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पे है। मेरे कहने का मतलब, मान लेते हैं फिक्स पॉइंट है ये, ठीक है, जिस फिक्स पॉइंट की बात की गई थी मान लेते हैं ये वो फिक्स पॉइंट है। अब ये पॉइंट, ठीक है, इससे जितनी दूरी पर है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हुआ इस पॉइंट का इतना ही बड़ा, मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर। अब ये सारे पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ ये इस फिक्स पॉइंट से यानी इस पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पे हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स का जो सेट कहलाएगा वो एक सर्कल कहलाएगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है वो ये है और यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस फिक्स पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पे हैं, ठीक। तो फिर से एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ए सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब यहाँ पर एक ही प्लेन में है, ये बात आप याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही प्लेन का मतलब देखो इसी पेपर पे ये आ जा रहे हैं सारे। अब मान लो कि अगर आपने स्फेयर देखा हो तो स्फेयर का सेंटर भी बहुत सारे पॉइंट से समान दूरी पे होता है लेकिन वो सर्कल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्लेन में होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये इस पेपर पे होंगे और ये पॉइंट ऊपर उठा हुआ हो या फिर नीचे धंसा हुआ हो, सेम प्लेन पे होंगे सब, ठीक। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, चार
साइड से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। तो ये सब हमें पता होना जरूरी था ताकि हम इन टर्म्स को डिफाइन कर पाए जो इस क्वेश्चन में बोली गई थी। अब इस क्वेश्चन में जो बोली गई है डिफाइन करने को, उनमें सबसे पहले बोला गया पैरेलल लाइन डिफाइन करो। ठीक, तो पैरेलल लाइन क्या हो जाएंगी? इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज इक्वल देन द लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। मतलब कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लाइन के बीच का हर जगह से यानी कि हमेशा बराबर रहता है तो हम बोलेंगे वो लाइन्स पैरेलल लाइन्स हैं। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे नाप रहे हैं हम, इसको समझा देता हूँ। मान लो ये एक लाइन है L और ये दूसरी लाइन है M। ठीक, अब ये पैरेलल तब होंगी जब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हम इसको ऐसे नापें कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाए, ये 90 डिग्री बनाए, तो ये डिस्टेंस जो आता है वही यहाँ से नापने पे आए, वही यहाँ से नापने पे आए, वही यहाँ से नापने पे आए। तो मतलब अगर ये परपेंडिकुलरली मैं डिस्टेंस नापूँ तो सारे डिस्टेंस अगर बराबर हैं तब मैं बोलूँगा कि जो लाइन एल है वो पैरेलल है लाइन एम के। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर एक बार रीड कर रहा हूँ, अब बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल देन द लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ये एक दूसरे को अभी काटती नहीं है, कहीं मिलती नहीं है। इसके बाद परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होंगी? मान लो एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है L और एक दूसरी लाइन है मान लो M। ठीक, अब ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं कि इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तब हम बोलेंगे कि L जो है ये परपेंडिकुलर है एम के, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है। ठीक, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन हो जाएगी, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कुछ इस तरह से काटें कि वो 90 डिग्री पे हों, एट 90 डिग्री, देन लाइंस आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? मान लो जो यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है, अब इस लाइन का मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा ले लूँ सिर्फ इतना, ठीक है, और इस टुकड़े को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, तो ये लाइन का क्या है? पार्ट है, हिस्सा है, लाइन का एक टुकड़ा है या सेगमेंट है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का सेगमेंट या फिर लाइन का टुकड़ा। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जिसके दो एंड पॉइंट है, यहाँ पर भी एंड पॉइंट, यहाँ पर भी एंड पॉइंट है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, मैंने यहाँ पे एरो नहीं लगाया है, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये इसके एंड पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अगर मैं इसको नाम दूँ ए बी, तो ए बी यहाँ पर एक क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। इसके बाद हमसे पूछा गया था रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, इसको डिफाइन करो। तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और यहाँ पर इसका सेंटर होगा जो फिक्स पॉइंट मैंने बताया था, तो इस सेंटर से इसकी सर्कमफ्रेंस को जो लाइन सेगमेंट मिलाएगा इसी को हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड आपस में बराबर हो, ये साइड इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, और सारे एंगल 90 डिग्री हों, तब हम इस क्वाड्रिलेटर को बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो उम्मीद है आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।